अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी दिन से आप लोगों को जो है मेरे व्लॉग्स अपलोडेड नहीं हो रहे थे, आप लोग नहीं देख पा रहे थे। इसके पीछे एक बहुत 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 ज़्यादा बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि मेरे पाँव जो है, मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा पेन है। अब हुआ कुछ होता कि 22 रजब की बात है, को हमारे घर में कुंडे थे, उस दिन से पता नहीं क्या हुआ, मैं सुबह सो के उठी, उस दिन से जो है मेरे पाँव में इतना ज़्यादा पेन था कि मैं स्टेयर्स को उतर भी नहीं पा रही थी। मेरा रूम जबकि आप लोगों को पता है ऊपर है, तो मैंने कहा शायद यूं ही माइनर से दर्द है, चलते फिरते सही हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली फिर ये हुआ कि एक हफ्ता गुजर गया, फिर दूसरा हफ्ता गुजर गया, फिर ये थर्ड वीक था, और थर्सडे वेडनेसडे वाले दिन मेरी ऐसी हालत थी कि मैं जब नीचे से ऊपर चढ़ी थी अपने कमरे में आने के लिए शाम के वक्त, तो मुझसे ज़रा सा भी चढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था बस एंड हो गया मेरा पाँव, मैं अब चल ही नहीं पाऊँगी, अल्लाह ना करे। लेकिन इतना ज़्यादा मेरे पेन था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। तो और आज संडे है, आज इस बात को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन हो गए मैं अपने बेड से बिल्कुल नहीं उठ पा रही हूँ। मतलब लेकिन जाहिर सी बात है, बच्चों की जो चीज़ें हैं वो सब तो एक माँ को ही पता होती है, वो माँ ही कर सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरी जिठानियाँ इतनी अच्छी हैं, मुझे ऊपर ही नाश्ता भेज रही हैं जी। तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है मेरी जिठानियाँ इतनी अच्छी हैं, सबा भी, रंबा भी, उन लोगों ने मतलब मैं ऊपर ही, मुझे नाश्ता भेजा, खाना वगैरह सब कुछ ऊपर ही आ रहा था, बच्चों का भी मेरा भी। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई थी मैं अपनी लाइफ से, क्योंकि एक बेजारी लग रही थी रूम में मुस्तकिल बैठे रहना, जो मुस्तकिल इधर से उधर चलती फिरती रहती है, इधर से फुदक कर उधर से। मैं बहुत ज़्यादा जो है फन टाइप लड़की हूँ, लड़की नहीं, वुमेन, वुमेन नहीं औरत, जाहिर सी बात है अब तो शादी हो गई, तो इस टाइप का कुछ सीन चल रहा था। मैं आप लोग को अपना पाँव दिखाती हूँ और फिर बताती हूँ कि मेरे पाँव में हुआ क्या है। तो ये देखिए, ये मेरा पाँव है जो पूरी तरह से जो है, जो पूरी तरीके से इतना दर्द में है। हुआ कुछ यूँ है कि मेरे पाँव में ना तो कुछ चीज़ लगी है, ना कोई प्रॉब्लम हुई है, बस सिर्फ और सिर्फ मेरा डॉक्टर ने जब मेरा एक्सरे करवाया, एक्सरे में कुछ भी नहीं आया, उन्होंने मुझे 2-3 दिन के लिए दवाइयाँ दे दी, फिर उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट में जो है मेरा यूरिक एसिड कोई चीज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी भी आई है, जिसकी वजह से मेरे पाँव में दर्द है। अब यूरिक एसिड का पाँव से क्या डालू कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती, ना ही डॉक्टर ने मुझे इतनी डिटेलिंग में बताया, मैंने पूछना भी चाहा बट उन्होंने इतनी डिटेल में नहीं बताया। तो बस मेरे साथ ये मसला हुआ जिसकी वजह से मैं ना तो चल पा रही, ना कुछ कर पा रही, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का चल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जब यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए जो मुझे टेबलेट दी है, लगा शुक्र है वो उससे मुझे फ़र्क पड़ रहा है। और बस यही सब था। और आज का जो मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ वो कुछ इस तरीके का है कि हमारी प्यारी सी प्रिंसेस लाडो बेटी, जिसको आपने देखा है कि नहीं, वाला व्लॉग पता नहीं अब तक मैं अपलोड कर पाऊंगी या नहीं, तो हमारे घर में हुई है खूबसूरत सी प्यारी सी प्रिंसेस, ताला ने हमें फिर से एक नेमत से नवाजा है, मतलब मेरी देवरानी को, मतलब देवरानी की हुई हमारी एक ही बात है ना, तो नवाजा है अल्लाह ताला उसको हर खुशी दे दुनिया की। तो हम लोग आज उसका अकीका सेरेमनी है, तो मैं आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी, थोड़ा थोड़ा किसी और से दिखवाऊंगी कि वीडियो को जब इधर उधर ले जाना हो, तो आप लोग होप सो मेरी ये व्लॉग ही इंजॉय करेंगे और मुझे बैठे 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 मुझे इंजॉय करेंगे। तो आप लोग बताइएगा मैं आप लोग को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पर जो है तैयारियां हो रही हैं, समाव्या साहिबा मास्क लगा के बैठी हुई है कि जो है इसके लिए, ये मुल्तानी मिट्टी का मास्क है ना, और एजल के मेहंदी लग रही है, एजल आपकी मेहंदी लग रही है, और सबूर को मैं नाश्ता करवा रही हूँ, और ये मेरी मेहंदी है, खुशबू ने लगाई है। और अगर आप इस मेहंदी को आपको अच्छी लग रही है तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगी, इंस्टाग्राम पे मेहंदी आर्ट के नाम से इनका पेज है, मैं आपको जो है इसका लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा दूंगी। इसके साथ साथ मुझे आप लोगों को एक और भी बात बतानी थी, इस दौरान मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट हुए। सैटरडे वाले दिन जो है, मतलब लास्ट सैटरडे जो गुजरा है, मैं एक व्लॉग रेडी कर रही थी हमारे घर में जो है, मतलब हमारी गली में ख्वाजा की कवालियाँ होती हैं, घघरी वगैरह उठाई जाती, किसी को इस बात की नॉलेज हो, मुझे तो नहीं थी शादी से पहले, शादी के बाद ही मुझे सारी चीज़ें पता चली, क्योंकि ये मेरे सब मेरे ससुराल में होती हैं।
तो वो सब हो रहा था, तो व्लॉग बनाते बनाते मेरी मेड से मोबाइल गिरा और वो जो है जो मेरा पहले का मोबाइल था वो बिल्कुल एंड हो गया, वो डेड हो गया। मोबाइल वाले ने बोल दिया बाजी आप सही बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर आज मेरा मतलब इन्होंने रात को मुझे मोबाइल लाके दिया, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कौन सा मोबाइल लाके दिया। उससे पहले मैं बताऊं मोबाइल गिरा, टांग टूटी और तीसरा ये आप लोगों को पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, ये मेरी चुंगली ये मेरी दरवाजे में आ गई और बकायदा दो हिस्सों में हो गई थी, मतलब लंबाई में दो हिस्सों में हो गई थी और इतना ब्लड निकल रहा था जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। ऐसा लग रहा था एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जा रही है। खैर अभी भी उंगली में बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि उंगली मुझसे पूरी तरीके से मोड़ी नहीं जा रही है। तो आप लोग बताएगा मेरी ये दुबरी कहानी आपको कैसी लगी। ठीक है अब मैं व्लॉग में आप लोगों को दिखाती जाऊँगी हम लोगों ने कैसी इस हकीकत को इंजॉय किया। सो फाइनली यहाँ तो यहाँ पे हम सब ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। मैं तो नहीं कर रही हूँ, ये सारी हमारी डीली मासियां ना देर में हो रही हैं। आप लोग देखें ये देखेंगे इनके अभी तक बाल बन रहे हैं, समावे भी रेडी है, ये रेशमा जी भी हम सब रेडी हैं, ये डीली है हमारी सभा। तो अब हम लोग जा रहे हैं जल्दी से नीचे। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे अपने हॉल जो कि है ला ग्रैंड आई डोंट नो कुछ इसी तरीके का नाम है। और तुम्हें ले हूँ या नहीं, तो दुल्हन की मम्मा नहीं यार, नहीं दुल्हन की नहीं मुन्नी की मम्मा। आपको मैं नीचे से इनका लुक दिखा देती हूँ, ये देखिए ये इनका आउटफिट है आज का। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, एंटर हो रही हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं प्यारे से हॉल जो कि आज अकीका सेरेमनी है हमारी मुन्नी की, सेलिब्रेट अकीका हम लोग सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। तो इन लोग सबको जो है खुशबू पूरा हॉल दिखाओ। हाय राधा, प्रिंसेस बोल रही हूँ ना मैं उसको। यहाँ पे डेकोरेशन अब भी रेडी इस मतलब हो ही रही है ऑलमोस्ट। ये मुन्नी के पापा है, मेरी उम्र ही क्या है, रहने दो बुढ़े हो रहे हो। तो यहाँ पर जो है सब फोटो शूट करवा रहे हैं, ये मेरी जिठानी और ये ओवरऑल सब, ये हमारी फैमिली की लड़कियां मतलब छोटी बच्चियां और ये हैं हमारे फोटोग्राफर्स। आप कैमरामैन वो वीडियो मेकर भी है, कैमरामैन अच्छा वीडियो मेकर करता हूं, लेकिन मैं जल्दी आई तो वो रास्ते में आ रहा हूं, चीजें कर रहा हूं। और यहां पे एक आयरा एजल नहीं कर रहा, आयरा का हो रहा है फोटोशूट, हमने इतनी प्यारी सी प्रिंसेस का नाम रखा है आयरा। ये जल रहे हैं, मेरा फोन जो इतना अच्छा वाला है, आइएगा जरा। मैंने शायद दूसरी निकाली थी आपकी, आप हम दोनों पिक्चर्स लें। अस्सलाम वालेकुम बाजी, कैसी हैं आप? और अकीका सेरेमनी अवर नहीं अवर नहीं अमेरी मुन्नी भांजी भतीजी अवर भतीजी। तो यहाँ से आ गए हैं मेरे मैके वाले भी, अस्सलाम वालेकुम कैसी हो तुम? रहमा नहीं आई, नहीं आई, उसकी तबीयत सही नहीं है, बस यूं ही नहीं आई, इसलिए नहीं आई, तबीयत सही थी। बता लो वायरल चल रहा है तो वायरल हुआ है इसलिए नहीं आई। वायरल? अच्छा 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 ओके ओके ओके, सब कुछ और पता नहीं क्या क्या समझ में आता है। ये इनका आउटफिट है, ये मेरी जिठानी का,
और ये मेरी सवरी अम्मी भी आ गई हैं। ये मेरी दूसरी रानी, उनसे गले मिली है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, अम्मी मेरा नया मोबाइल। तो ये आए मुन्नी का जहेज, मतलब उनकी नान के वालों की तरफ से मुन्नी के लिए बहुत सारे अकीके के गिफ्ट्स। जी ये हमारी टेबल भी थी ना, ये हमारी टेबल भी थी, पापा ने खड़े होके तोड़ दी। यहाँ पे मैं एक एक चीज़ डिटेलिंग से दिखा रही हूँ कि क्यूट सी अलमारी आई थी आयरा के लिए, और ये प्राम और बाउंसर और ओवरऑल चीज़ें जो एक ननियाल से मतलब मुन्नी के लिए आती है। वैसे मेरा तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये सब चीज़ें ऐसा होता ही क्यों है कि नानके वालों पर क्या जिम्मेदारी है, क्या आन है, बट पता नहीं क्यों दुनियावी रस्में ऐसी हैं कि ननियाल पे बोझ बनना, भारी पड़ना कि नहीं उनको देना ही है, वरना न जाने क्या क्या सोचा जाता है। और फिर लड़की भी बड़ी अनकम्फर्टेबल फील होती है कि नहीं आया। बट मेरे साल में अल्लाह का शुक्र है किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट फिर भी ये रस्में हैं, पता नहीं क्यों हैं ये मुझे नहीं पता। आप लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है ये इंडिया की तरफ से होती भी आ रही हैं और इन सब का एंड होना चाहिए, बट हमारी कराची। ये हमारे मुझे साहब हैं, ये इनको आईफोन चलाना ही नहीं आ रहा। कैसे चलाते हैं आईफोन? अनाड़ी तो पता नहीं, आवाज नहीं आ रही। मुझे कह रही हैं कि कल से जो है आवाज नहीं आ रही, इसमें क्या करूं मैं। मैंने इनका साइड का बटन ऑन कर दिया। भाई हम सैमसंग वाले हैं, आईफोन फर्स्ट टाइम आए, साफ सी बात है। क्या कहना चाहेंगे मुनी साहब? हम बचपन से पैदा होते तो आईफोन हमारे हाथ में नहीं आया। पैदा आए तो छैया छैया वाला था वो भी आईफोन था। नहीं नहीं, मेरे पास 8 क्लास से मोबाइल था, वो वाला था अम्मी का सैमसंग वाला, जिसमें गाने सुना करती थी, जा रहे हो जी नहीं। और कौन था ना, भीगा भीगा था, ये दिसंबर है वो, उसमें नहीं सुनती थी मैं। पिंक कलर का आया था मेरा मोबाइल, छैया छैया पता नहीं है वो, उसमें मेमोरी कार्ड में था। चल छैया छैया छैया, ये हम पापा बैठे हैं। अरे वो कौन सा गाना करते हैं रास्ते में, पहले भी मैं हरीश कल से ना इसमें फ्लैश नहीं चल रहा। अब ये भी बताना पड़ेगा कौन सा हरीश नहीं चल रहा। हम लोग ज्यादा पत्ता नहीं, मैं चमाट वमाट मार दूँ। तो काम कौन सा गाना करते, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, अम्मी गूगल भी तो नहीं आ रहा था ना कल, मिलके लगा रवि मुझे क्या था, तूने चुआ चुआ क्या चुआ चुआ, हमने गाना अपना बनाया है। ये बच्चा जो है, ये देखे ना शूज है इसके, ना इसकी जैकेट है, ना कुछ है, बस इनको यूं ही घूमना है। और ये हमारी यहाँ पर इतनी बड़ी घोड़ी जंपिंग में जाके जंपिंग कर रही थी। सबका खाना, इन्होंने रज रज के चीज बॉल्स खाई हैं, जैसे इन्होंने इनको इन्होंने फर्स्ट टाइम ये देखे जरा, ये इनको ये ज्यादा ही वो हो गई है चीज बॉल्स के पीछे क्रेज। क्या कह रही हैं देखिए, इन्होंने सारी चीजें चख ली है, उसके बाद जब पेट भरा है तो कह रही हाँ पेट भरने वाला चखी है इन्होंने। बाजी मैं खुद देख रही थी, आपने बिरयानी भी खाई है, आपने मटन भी खाया है, वो ये वाले टिक्के दो तीन चख लिए, बस टिक्के है ना।
तो यहाँ पे सब फोटो सेशन हो रहा है मुन्नी के साथ। ये देखिए मुन्नी से मुन्नी के साथ फोटो सेशन करी है। मम्मी पापा भी खड़े हुए और यहाँ पे सारी पार्टी एंड हो रही है। फाइनली अब सब जा रहे हैं। निदा बाजी एक मिनट। ओके अल्लाह हाफिज। बाजी मैं गले कैसे मिलूं? इसको फ्रंट कहाँ से करना है? ये तो मेरी तरह हो गया। मैं करती हूँ। चले तरीब भाई अल्लाह हाफिज। मैं कल बताता हूँ। सही है, सही है, चलो अल्लाह हाफिज। सो फाइनली अब हमारा सारा इवेंट जो है खत्म हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो आज काफी ज्यादा मजा आया। मेरे मैके वाले थे, हम सबके मैके वाले भी थे, मतलब हम सारी जेठानियों देवरानियों के और सब खानदान था, सब इकट्ठा हुआ था, एक गेट टुगेदर हुई थी। बहुत ज़्यादा हमने इन लम्हों को एंजॉय किया। होप सो आप लोगों ने भी मेरे साथ साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा? मेरा नेकलेस कैसा लगा? तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग प्यारा सा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज, टेक केयर।